हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको सलाम बोलती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर फिर से हमें एक नए दिन में लेके आया। और आज एक अच्छे दिन के लिए मैं हाथ उठा के ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे देश आज के दिन आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं मैं सबको देती हूँ। परमेश्वर के एक वचन को मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद हो। आज हम सब मिलके अपने देश को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आइए मैं प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता से आपके वेदी के सम्मुख आती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने फिर हम सब के जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया प्रभु। आज के दिन प्रभु, जबकि इंडिपेंडेंस डे है प्रभु, मैं अपने देश को यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। प्रॉस्पेरिटी को बोलती हूँ, संपन्नता को बोलती हूँ, प्रगति को बोलती हूँ प्रभु। हमारे देश को प्रभु आपने अभी तक संभाल के रखा है प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। और हर क्षेत्र में आपने ज़रूरतों को पूरा किया है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज पूरे देश में आनंद और उत्साह के साथ ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है प्रभु। हर एक अपने देशवासियों को यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। हमारा देश बहुतों के लिए आशीष का कारण होना पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। जहाँ जहाँ भी आज कार्यक्रम होते हैं प्रभु जी, लोग जमा होते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मैं खासकर इस समय अपने देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, डिफरेंट स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं प्रभु, हर एक को प्रभु मैं यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। और यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के कार्यों के द्वारा सब लोग लाभान्वित होने पाए, उनको फ़ायदा होने पाए प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी प्लान्स और योजनाएं हमारी सरकार बनाती है प्रभु, उसमें आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई हो प्रभु, ताकि हमारे देश का हर एक कार्य सुचारू रूप से चलने पाए। जिस क्षेत्र में जो कमी है प्रभु, वो पूरी होने पाए यीशु के नाम से, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हर एक एजुकेशन सेंटर्स के लिए प्रभु, आपकी आशीष को बोलती हूँ। प्रार्थना करती हूँ हर एक मेडिकल स्कूल्स के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए प्रभु, जहाँ पे प्रभु बहुत से डॉक्टर और नर्सेस प्रभु हर एक वहाँ आके अपने कार्य को करते हैं। एक बड़ी सेवा प्रभु आपने उन्हें सौंपी है प्रभु। मैं ब्लेस करती हूँ हर एक को प्रभु। हमारे देश में जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं प्रभु, वो अच्छे से रन करने पाए, सारी उनकी ज़रूरतें प्रभु यीशु पूरी होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक क्षेत्रों में जो भी आपने अधिकारी गण दिए हैं, सहायता करिए कि वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से, लगन से और ईमानदारी से करने पाए। पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पूरा न्याय प्रणाली पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने किसानों को जो एक बड़ी सेवा करते हैं अनाज उगाने का, उनको भी ब्लेस करते हैं। जहाँ प्रभु इंटीरियर्स में लाइट नहीं है प्रभु, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, ओ प्रभु यीशु, शेल्टर्स नहीं है लोगों के पास प्रभु, आप प्रोवाइड करिए। और सरकार ऐसी योजनाएं और प्लान बनाए जो सब लोगों के लिए प्रभु फ़ायदे का होने पाए प्रभु। बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जो बेरोज़गार हैं प्रभु, उनको जॉब प्रोवाइड होने पाए प्रभु सरकार के द्वारा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अपने पूरे हर एक जो शासन करते हैं हमारे देश में प्रभु, हमने हर एक को आपके नाम से ब्लेस किया है। हमारे देश में हर एक आशीषें प्रभु जी
मिलने पाए हर एक को प्रभु, अपने पूरे देश के देशवासियों को, हर एक परिवारों को प्रभु मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। और जहाँ जहाँ प्रभु यीशु आपके लोग हैं, आपके विश्वासी लोग हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका राज्य इस देश में फैलने पाए ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि आप हर एक क्षेत्रों को प्रभु आपने आशीषित कर दिया है। धन्यवाद हो आज के इस अच्छे दिन के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने देश को आज़ाद करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया प्रभु, उनको भी मैं आपके नाम से स्मरण करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है हमारे देश में कोई भी घुसखोरी, भ्रष्टाचार, गलत काम, गलत बातें ना हो प्रभु यीशु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो, फिर से अपने देश को ब्लेस करती हूँ आज के अच्छे दिन के लिए, आपका धन्यवाद करती हुई इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।